नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोपो ऐप के बारे में। और पोपो एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है। आज हम यहाँ पे डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं ऑनलाइन रिचार्ज और ऑफलाइन रिचार्ज के बीच में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा रिचार्ज आपके लिए मतलब बेस्ट रहेगा और कौन से रिचार्ज में आपको कितने कॉइंस मिलने वाले हैं पर रुपीज़ के पीछे। ओके, मतलब दोस्त यहाँ पे अब जब आपके सामने डाटा आएगा ना, तो आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा गैप है ऑनलाइन रिचार्ज और ऑफलाइन रिचार्ज में। और उसी डाटा के बिहा पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रिचार्ज आपको करवाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी फीमेल एंकर्स इस एप्लीकेशन पर वर्क करना चाहती हैं तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एजेंसी का डिटेल भी है, वो यहाँ पर क्लिक करके एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे होस्टिंग लेके काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर उनको समझा दिया जाएगा कि कैसे यहाँ पे काम करना है और कैसे यहाँ पे पैसे कमाने हैं, पैसे कैश आउट कैसे करने हैं, वो सारा कुछ। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्त ये डिटेल में समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने आईडी पे। ओके, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम रिचार्ज वगैरह करते हैं तो जैसे टॉपअप का ऑप्शन है, टॉपअप पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने देखिए फिर से एक टॉपअप का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है कि गूगल पे से भी आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो, अच्छी बात है। और जैसे यहाँ पे दिखा रहा है प्लान 7000 कॉइन का, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखा रहा है कि 7000 कॉइन के लिए हमें यहाँ पे 95 रुपीज़ पे करने हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्लिक करके देख लेते हैं रिचार्ज के मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो गूगल रिडीम कोड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सारे चलिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम का चीज़ है वो हमने यहाँ पे देखा कि 7000 कॉइन के लिए हमें यहाँ पे 95 रुपीज़ पे करने हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 1 रुपये के पीछे कितने कॉइन हमें पड़ रहे हैं। ओके, तो ये जो प्लान था इसमें हमें 7000 कॉइन मिल रहे थे और उसके लिए हमें पे करने थे 95 रुपीज़, मतलब 1 रुपये में हमें यहाँ पे 73.68 कॉइन मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें थोड़ा सा कि 1 रुपये में आपको कितने कॉइन मिल रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आके हम दूसरा प्लान समझते हैं जरा। तो ये प्लान है 21000 कॉइन के लिए, जिसके लिए हमें पे करना है यहाँ पे 280 रुपये। ओके, तो ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि 21000 कॉइन के लिए हमें यहाँ पे करने हैं 280 रुपये, मतलब 1 रुपये में हमें यहाँ पे 75 कॉइन मिलने वाले हैं। पहले कहाँ 73 कॉइन मिल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेटर हो गया, यहाँ पे 75 कॉइन मिल रहे हैं। ओके, खैर अब इससे भी थोड़ा सा बड़ा प्लान देख लेते हैं। और ये सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, आप समझिए जरा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्लान है ना, ये तीसरा प्लान सॉरी, ये दिखा रहा है 70000 कॉइन का और इसके लिए हमें पे करने हैं यहाँ पे 950 रुपीज़। ओके, तो अब इसको भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। और यही कैलकुलेटर पे आके जैसे हमने देखा 70000 कॉइन हमें मिल रहे थे 950 रुपये में, यानी कि 1 रुपये में हमें यहाँ पे मिल रहा है 73.68 कॉइन, ठीक है। मतलब कहाँ, अभी इसके पहले वाले प्लान में हमें 75 कॉइन्स मिल रहे थे 1 रुपये में, लेकिन यहाँ पे फिर से बड़ा प्लान हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 73.68 वाला हमें मिलना शुरू हो गया। ओके, और यही नहीं, इससे बड़ा वाला प्लान भी अगर हम देखेंगे ना, जैसे ये देखिए ये है जो 210000 कॉइन का है, यहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए 2850 रुपये का है। और इसको भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे ना, तो देखिए 210000 कॉइन और इसको हम डिवाइड करते हैं 2850 रुपये से, तो ये फिर से आ जाएगा कैलकुलेशन वहीं पे कि यह 1 रुपये के पीछे हमें 73.68 कॉइन ही मिलने वाले हैं। अब ये सारा क्लोज करके अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑफलाइन रिचार्ज प्लान क्या है। ऑनलाइन में तो आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट 1 रुपये में हमें 73 से लेके 75 कॉइन ही मिल रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन वाला प्लान है ना, वो देखिए मैं आपको पहले सैलरी शीट दिखा देता हूँ और ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सैलरी शीट। ओके, यहाँ पे जो बेसिक प्लान है ये स्टार्ट होता है 251 रुपीज़ से, जिसमें हमें मिलते हैं यहाँ पे 26400 कॉइन। तो अब हम यही कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं फिर से और 26400 कॉइन को फिर से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 251 रुपीज़ से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 रुपये में आपको 105.17, अभी मतलब कुछ और भी डिजिट रहते हैं, मतलब सीधा सीधा देखें तो 1 रुपये में आपको 105 कॉइन मिल रहे हैं, जो कि उधर 73 कॉइन या फिर 75 कॉइन मिल रहे थे 1 रुपये में। ओके, अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं दूसरा प्लान। दूसरा प्लान है यहाँ पे 835 रुपये में हमें 88000 कॉइन मिल रहा है। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 88000 कॉइन डिवाइड बाई 835 रुपये, यानी कि 1 रुपये में आपको मिलने वाले हैं 105 पॉइंट, फिर कुछ और डिजिट हैं। ओके, मतलब 105 से ज़्यादा कॉइन यहाँ पे फिर हो गया। अब इसको भी हम क्लोज करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं अपना अगला प्लान देख लेते हैं, जो थर्ड प्लान है। ओके, और ये दिखा रहा है प्लान है ये 2605 रुपये का, जिसमें मिल रहे हैं 267000 कॉइन। ओके,
267,000 कॉइंस। तो इसको भी हम जरा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 267,000 और डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे 25.5 रुपीज़ से। ओके, तो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि 106 कॉइन हमें मिल रहा है पर एक रुपए के पीछे। ओके, मतलब यहाँ पे 106.5 के भी प्लस है। ओके, मतलब इतना ज़्यादा आपको कॉइन मिल रहा है। तो कहाँ उधर के प्लान में हमें एक रुपए के पीछे 73 से लेके 75 कॉइन मिलते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रुपए के पीछे आपको कितने ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हैं। तो आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि कौन सा रिचार्ज हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों। ऐसे ही अगर हम इससे बड़ा प्लान भी देखेंगे ना, तो इसमें भी वैसे ही मार्जिन है। मतलब ये 455,000 कॉइन्स के लिए आपको सिर्फ 4175 रुपये आपको पे करने हैं, और यहाँ पे अगर इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो आपको बनेगा कि एक रुपये में आपको 108.92 कॉइन्स मिल रहे हैं। मतलब 109 कॉइन आपको अप्रोक्स मिल रहे हैं। तो ये है दोस्त यहाँ पे डिफरेंस। ये सारा कुछ समझने के लिए ना, ताकि आपको मतलब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी वो चीज़ शो कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे ऑनलाइन ही कंपैरिजन कर लें, जो सारी चीज़ें हैं एक साथ कंपैरिजन कर लें कि ये ऑनलाइन में आपको एक रुपये में कितने कॉइन मिल रहे हैं वर्सेज ऑफलाइन में एक रुपये में कितने कॉइन मिल रहे हैं। अब दोस्त अगर फिर भी आप ऑनलाइन रिचार्ज करवाना चाहते हैं, तो ऐसे ही आपको पोपो आईडी पे जाना है, टॉपअप पे क्लिक करना है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप गूगल पे रिडीम कोड या किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ से मतलब उसकी हेल्प से यहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन रिचार्ज करना है, ये प्लान आपको ठीक लगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और उनसे जाके आपको चैट करना है, उनसे समझना है प्लान वगैरह, और जितने अमाउंट का भी आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं उनसे नंबर लेके उस नंबर पे आपने पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना है। और उसके बाद जो पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे इनको सेंड कर दें एजेंसी को, वो लोग मतलब एक मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो भी आपके कॉइन्स हैं वो क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपको कॉइन्स रिसीव नहीं होते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ पे मुझे इस पेमेंट वाले स्लिप का स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे कंप्लेन करना है। और उसके बाद देखिए ये जो पोपो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा सेफ है, रिचार्ज को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ पे अगर कोई भी बंदा एक रुपए का भी कोई भी झोल कर रहा है आपके साथ गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए भी आईडीज़ यहाँ पे बैन हो रही हैं, एजेंसी बैन हो रही हैं। बहुत ही सिक्योर ये एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे कंप्लेन कैसे करना होता है रिचार्ज को लेके, अगर आपके साथ होता है कोई फ्रॉड तो आप मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, या फिर आने वाली वीडियोज़ में भी ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन में या ऑनलाइन रिचार्ज में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो कैसे उसका कंप्लेन करना है। अभी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।